केंद्र मंडी परिसर इटावा में कांग्रेस ने खाद न मिलने के कारण और खाद की कालाबाजारी और अन्य मांगों को लेकर केंद्र पर ताला लगा दिया। सुनवाई नहीं करने पर अधिकारियों को तालाबंद किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष मलखान सिंह का कहना था कि किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। कांग्रेसियों की मांग है कि जब तक उच्च अधिकारी समस्या का हल नहीं निकाल लेंगे वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की खाद सरकार नहीं दे पा रही है। किसान समितियों पे जाते हैं और पूरे दिन लाइन लगाकर खड़े रहते हैं और शाम को निराश होकर के अपने घर पे वापस चले जाते हैं। जहाँ जिस समिति पे खाद जा भी रही है वहाँ पर इस तरह से खाद दी जा रही है जिस प्रकार से ऊँट के मुँह में जीरा। ये धरना हमारा इस वजह से चल रहा है कि हम यहाँ एक शहर के किसान सेवा केंद्र पर बैठे हैं, क्योंकि किसान सेवा केंद्र और यहाँ पर खाद नहीं। अगर शहरी क्षेत्र में जो बाहर से किसान आ रहा है, ये नवीन मंडी का किसान सेवा केंद्र है, यहाँ जगह जगह से जिले के हर गाँव से लगभग यहाँ किसान आते हैं और उसे यहाँ से मुफ्त खाद मिली। यहाँ पर सरकार उन्हें खाद ना देने का काम कर रही, जबकि यही खाद यहाँ पर आप चले जाइए, यहाँ दुकानें हैं नवीन मंडी के बाहर, वहाँ पर ये खाद ब्लैक में इन किसानों को दी जा रही, जैसा कि यहाँ किसानों ने कहा। इफको केंद्र नई मंडी पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कांग्रेसियों ने यहाँ पर सुबह से धरना दे रखा था और इस समय आपको यहाँ पर सभी लोग यहाँ ताला बंद कर दिया है। यहाँ पर उनके अधिकारी अंदर बंद हैं और किसानों के समर्थन में उनके जो अभी खाद का समय है वो वहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं मिलेगी खाद तो जब तक नहीं मिले यहाँ पर हम निकलने नहीं देंगे और चाहे प्रशासन बुलाइए, कुछ भी करिए, लेकिन यहाँ पर इनको खाद, किसानों को खाद मिलेगी तभी इसका निराकरण होगा। इटावा से जितेंद्र सिंह, जन टीवी, इटावा। वाराणसी में